किसी की नहीं लड़ूंगा, ये भी प्राइम मिनिस्टर ने आज नहीं कह रहे, व्हेन ही वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर उस वक्त से कह रहे हैं, अभी तो नहीं कहा उन्होंने। सो ही विल नॉट बी यूज्ड, अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान विल बी यूज्ड बाय अदर कंट्रीज, तो फिर मेरा ख्याल है आपने सीखा ही कुछ नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी कोई नहीं जानते। सर ये बताएं, कहा जा रहा है कि कुछ वफाकी मुजरा जिनको हटाया गया है, करप्शन की बुनियाद पर हटाया गया, तो क्या उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगी या नहीं? ये न्यूज़ है मेरे लिए, करप्शन जो आप कह रहे हैं हटाए गए हैं प्रॉब्ली ऑन देयर परफॉर्मेंस, करप्शन पर मुझे नहीं पता कुछ, अगर करप्शन पर हटाए जाते तो वो अंदर होते, ये ऐसी कोई बात नहीं है। 25 जुलाई को ऑपोजिशन जमातों का मुर्गी जो में से आया, उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने भी इस्लामाबाद की जानिब मार्च करना है, बदला तो पहले कहते थे कि कंटेनर भी देंगे, लेकिन इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज कर दी, हुकूमत को परेशानी क्यों है? देखें, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, हर किसी का हक है कि वो एहतजाज करे, लेकिन एहतजाज करने के साथ साथ हुकूमत का ये फ़र्ज है कि लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें। उन्होंने कहा है कि आराम से आएं, मैं आपको कंटेनर देने के लिए तैयार हूं। अगर जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, अभी उनकी पॉलिसी है, हम तो कंटेनर देने के लिए तैयार हैं। एक मिनट प्लीज सर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आते हुए अगर आपकी गाड़ी के शीशे तोड़ दें तो आप तो गवर्नमेंट को गालियाँ निकालेंगे ना, अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को वो छेड़ेंगे करेंगे तो फिर लॉ एनफोर्सिंग जो है वो लॉ एनफोर्स करेगी, रूल ऑफ लॉ एनफोर्स होगा, अदरवाइज और तो कोई क्या मेरा ख्याल है इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी फिलहाल भुट्टो ने दावा घोर की है कि NA-205 में जो इलेक्शन हो रही है वहां पर जो है उन्होंने क्लियरली कहा था कि छाव जो है वो सिंध की सियासत पे असरअंदाज हो रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा ये कि 205 में जो इलेक्शन हो रही है उसके लिए क्या सबक है, क्या फौज की निगरानी करवाई जाएगी? ये तो सर इलेक्शन कमीशन को पता है, मुझे तो इसका नहीं पता। और दूसरा मैं आपको कौन कौन उसमें नजरअंदाज हो रहा है? आर्मी आर्मी मैंने पहले भी कहा है। अच्छा, मैं फौजी भी हूँ, इंटीरियर मिनिस्टर हूँ, मैं आप पर नजरअंदाज हो सकता हूँ? ये आज वाले के दिन है, मैं आपको कहूँ आज छोड़ दो, छोड़ दोगे? कौन नजरअंदाज होता है भाई? ये कुछ मंगे होती हैं जो चढ़ाते हैं चढ़ा और लोगों को बदनाम करते हैं। उनके बाप की 5 साल हुकूमत रही थी, मैंने किया था तो मुझे फांसी लगा देते। ये गवर्नर साहब ही बताएंगे, इनके पास समरी आई है, मुझे तो समरी का पता नहीं है। ये उन्होंने मेरा ख्याल रखो सर, ये इसका आप ही जवाब। पुलिस रिफॉर्म्स की देखिए जी जवाब दे, ये इनको जवाब को ले लें कर ले जी। अच्छा, अभी ये देखें, ये डिफरेंस है आप में हमारे मीडिया में, मैं प्लीज इसको और किसी तरीके से ना ले जाइए। हम ये जीते हैं ना केस, उनके 10 उनकी गुजारशात जो थी उनको जो इंसाफ की अदालत है दुनिया की सबसे बड़ी उसने रद्द की है, ठीक है ना। इंडिया में जो उनका मीडिया है वो अपनी सच बता रहा है, आप हमें सवाल कर रहे हैं कि हमारी सक्सेस को भी शिकस्त में बदले। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मीडिया एंड द अप्रोच, प्लीज इसको माइंड ना करिएगा। मैं सर पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं अभी लॉ जो है लॉ के, सर मेरी बात तो सुन लें, लॉ के मुताबिक अभी हो गया ना फैसला, लॉ के मुताबिक अगला फैसला भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, देर इज नो प्रेशर द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा है कि ये वापस जा सकता, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरह ट्राई कर अभी उसके कि उन्होंने उसको ही हैज ए राइट ऑफ अपील, ही कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, गो एनी वे, वो सारा प्रोसेस होगा तो फिर उसका फैसला होगा। मैंने फैसला नहीं करना, इट इज द जुडिशरी जिसने फैसला करना। मेरे कहने के ऊपर अगर मैं उसको कहूँ को फांसी लगा दे, लगा देंगे? नहीं लगाएंगे। आप माशाल्लाह
پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہی ہیز اے رائٹ ٹو اپیل. ایون میں پولیس ریفارم جواب دے دوں, پولیس ریفارم کا جو بل آیا تھا میں نے اس کے اوپر جو اعتراضات تھے لگا کے وہ واپس ان کو کیے, اس کے بعد ان کو صحیح نہیں لگا, انہوں نے دوبارہ اس کو اسی طرح سے بھیجا جیسے وہ اوریجنل حالت میں تھا اور وہ پاس ہو گیا. میرا جو اعتراض بیسک تھا وہ یہ تھا کہ پولیس کو انسٹیٹیوشن بنانا چاہیے اور اس کے لیے آئی جی کو پاورفل کرنا چاہیے. آئی جی سے آپ حساب کتاب لیں تگڑا, اور اگر اس میں کوئی فلو آتا ہے تو آئی جی کو ہٹا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ تھانے ایس ایچ او ایس پی ڈی ایس پی تک کے تبادلے خود کرنا چاہیں گے, کوئی ایک شخص کرنا چاہے آئی جی کو ہٹا کے, تو وہ مناسب نہیں رہے گا, انسٹیٹیوشن نہیں بنے گا پولیس. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ پولیس ڈی پولیٹیسائز ہو, اس کے اندر کسی کی بھی گورنمنٹ ہو خواہ وہ اس کے اندر انٹرفیئر نہ کر سکے. آئی جی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے اور پولیس کو انسٹیٹیوشن بننا چاہیے. یہ میرا اعتراض اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے. جب بھی میری وزیر اعلیٰ سے بات اگر ہوگی کبھی اس موضوع پہ, تو میں ضرور انہیں اپنی ایڈوائز کروں گا کہ پولیس کو انسٹیٹیوشن لائز کریں, ڈی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کریں. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح بھارتی پائلٹ ابھینندن کو جلدہ خیر سگالی کے تحت واپس کیا گیا تھا, اب اس وقت یہ سچویشن تو نہیں تھی, کیا یہ اس طرح کی کوئی بات چیت اس کے لیے ہو سکتی ہے؟ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں, وہ سچویشن اور تھی سر, یہ سچویشن اور ہے. وہ دیکھیں نا, وہ تو اس نے تو کرائم تو نہیں نہ کیا تھا, ہی ہیز کمیٹڈ کرائم, جو کہ اس نے خود مانے کہ جی میں اتنے سال آپریٹ کرتا رہا ہوں, میں نے یہاں یہاں دھماکے کرائے ہیں, میں نے یہ اس کو انرول کیا. وہ تو فوجی تھا نا, اس نے فوج کے تار لڑتا ہے, فوجی ہمارے نہیں جاتے, اپنے ملک کے لیے ہر کوئی لڑتا ہے, اور جب لڑتا ہے تو ہم ایک دوسرے سے اس کو واپس کر دیتے ہیں. یہ کیس ایبسولوٹلی ڈفرینٹ ہے, اس کے کیس کے ساتھ تو ہمیں اس کو نہیں نہ جوڑ سکتے سر. سر ہیڈ کوارٹر نیب سے آتی ہے, آگے سمجھ, اور ان کا گھر بھی میرے گھر کے ساتھ ہی ہے, وہ تو گھر میں رہتا اور وہ بند ہی رہتا ہے میں میری دفعہ کوشش کی کہ میں ان کو اندر آتے جاتے ہی دیکھ لوں چیئرمین کو, تو مجھے یہی نہیں پتا لگتا کہ وہ کب جاتے ہیں. میں خدا کی قسم کر رہا ہوں, نہیں سر میری ابھی بات نہیں ہوئی, نہ بات چیت میں انوالو ہوں. ابھی وہ چند دوست تشریف لائے ہیں, پتا چلا میں ان کو مل رہا ہوں, شاید ان کی ڈیمانڈ ہو, لیکن ایسی کوئی بات نہیں. جی سر یہ پکڑ تکڑ جو سیاستدانوں کی ہو رہی ہے, اگر میرا کو پوچھے تو میرا دل تو یہی ہے کہ نیب کو منت کریں کہ یار جتنی کرنی جلدی کر لو تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے. 6 مہینے ابھی وہ کر رہے ہیں, بڑا اوور لوڈ ہو گیا میرے خیال کے مطابق, وہ بندے زیادہ ہیں ان کے پاس, بندے زیادہ پکڑنے ہیں, کام ان کے پاس تھوڑے ہیں جو انویسٹیگیشن کرنے والے. میں نے سر نہیں کہا, اور سر میں نے یہ کہا ہے کہ احتجاج تو ہر جماعت کا حق ہے سر, اگر آپ احتجاج کریں گے نو بڈی از گوئنگ ٹو ریئیکٹ. اگر آپ احتجاج کرتے ہوئے ماسز کو تکلیف دیں گے تو یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ ماسز کو وہ تکلیف نہ ملے. آپ مجھے بتائیں کسی کو نقصان پہنچا؟ نہیں آپ بتائیں نا سر. سر آپ یو آر آپ دیکھیں نا, نادکین تو آپ ہیں نا, کرٹیسزم اس وقت سب سے زیادہ جو ہے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, وہ 126 دن رونق لگی ہوئی تھی, کوئی کسی کو جی کیا تھا,
सर उनके ऊपर हमला हुआ, केस हुए, प्राइम मिनिस्टर खुद पेश होते रहे, यार खुदा का वास्ता, द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हिमसेल्फ हैज गॉन टू द कोर्ट और उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर इस केस के ऊपर जो कि झूठा केस था। सो व्हाट आई एम सेइंग इज के देखे 126 दिन का धरना कहना आसान है, ये भी पीटीआई को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 126 दिन का धरना दिया। हम देखूंगा ना, मैं देखूंगा जब आप और मैं इधर ही है ना, आप और मैं इधर ही है, देखते हैं कितने दिन का धरना। पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा ये 126 दिन का धरना जिसमें एक पत्ता तक नहीं टूटा और पूरा मन पूरा इस्लामाबाद फैमिली के साथ उसमें पार्टिसिपेट करता था धरने में। मैं और हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर बैठे हैं जो खुद पार्टिसिपेंट रहे उस धरने के, और मैं समझता हूँ कि उस धरने की वजह से जो सियासी शऊर कौम को मिला है शायद उस तरह और कभी नहीं मिला पाकिस्तान को। सर मैं देखें, आपको पता है कि मैं इसीलिए तो प्रेस में आता नहीं हूँ सर, बात कुछ और करते हैं, कर आप कुछ और देते हैं। अभी मैं ये बताऊं कि एक आदमी भर्ती करना हो ना सर, लेट से जो पुलिस है इसको भर्ती की इजाज़त दी गई है, आपको पता है दिस इज़ ए कैबिनेट डिसीजन कि इसको 100 बंदा ज़्यादा दें, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिफाइंड कि व्हाट इज़ द फेडरल गवर्नमेंट। पहले फेडरल गवर्नमेंट होती थी, मैं इंटीरियर में हूँ, मैं इंटीरियर होती थी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है फेडरल गवर्नमेंट मीन्स फेडरल कैबिनेट। अगर 500 बंदे भर्ती करने हैं पुलिस ने, दिस इज द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। आप ये कह रहे हैं मैंने फोर्स बनानी है, किसने कहा है मैंने फोर्स बनानी है? सो मैं यही तो कह रहा हूं ना सर, मैं यही कह रहा हूं, प्लीज डोंट गो व्हाट पीपल से। ये जो हमारा सोशल मीडिया है या दिखाएं, मैं तो खुद लोगों को कहता हूं कि खुदा का वास्ता है लोगों के ऊपर एलिग लगाने से पहले, बात करने से पहले सोचे। किस चीज की जी पॉलिसी शिफ्ट हो रही है टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान की, आएंगे कि टेरर पर जो कि वो जाए वो चले जाए, इजाजत मैं दिलवा देता हूँ, आप जाकर उससे पूछ लें। वो सर ये बड़ी पुरानी बात आप कर रहे हैं, जो होना था वो हो गया, और बाकी की चीजें एज फार एज लाइज फरोग नसीम साहब, आई विश मैं उनको साथ ले आता, ये तो वही जवाब दे सकते हैं कि वेर इट स्टैंड्स टुडे, मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस जो है वेर इट स्टैंड। जाने से पहले मैं आपको और चीज भी बतानी चाहता हूँ, प्लीज उसके ऊपर भी देखें। इस वक्त मुल्क बड़े बड़े इकोनॉमिकली हम को अच्छे हालात में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक मीटिंग की है ये स्मगलिंग के ऊपर। आपको पता है कि द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द कॉमर्स मिनिस्टर हैव गॉन टू द प्राइम मिनिस्टर कि इस मुल्क में उस वक्त तक आप अपनी इंडस्ट्री नहीं बढ़ा सकते जब तक आप अपनी स्मगलिंग खत्म नहीं करते। तो उन्होंने इसके लिए एक बड़ी हाई पार्ट इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे एंटी स्मगलिंग जो है उसको सारी पॉलिसी को हम रीवैम्प कर रहे हैं और उसमें है, तो इसके बारे में भी जरूर लिखिएगा कि इस मुल्क को दीमक की तरह जरा के करप्शन ने चाटा है, इसी तरह स्मगलिंग भी चाट रही है। तो लेट अस कंस्ट्रक्टिव राइटिंग करें कि इसमें भी सपोर्ट करें गवर्नमेंट को, आइडेंटिफाई करें कहां कहां स्मगलिंग होती है, हु आर द पीपल हु आर इन्वॉल्व, हु आर द पीपल जो कि इस मुआशरे को इस किस्म की चीजें बदनाम कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करें और इसमें भी गवर्नमेंट की हेल्प करें। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अनदर सिक्स मंथ्स वन ईयर इस मुल्क जो है इस जो दलदल में फंसा हुआ है जो कि पुरानी हुकूमतों की वजह से हम फंसे थे निकल आएगा, और मुझे कोई शक नहीं है कि हमारा फ्यूचर जो है इंशाल्लाह ताला पहले से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।